साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, अधिकारी साहब से कि आखिर क्या हुआ। एक सेकंड, एक सेकंड, वीडियो में वीडियो बंद करो यार, बंद करो यार, वीडियो नहीं आप। एक सेकंड, एक सेकंड, अच्छा भैया एक सेकंड, लाइव बंद रखो ना यार, भैया मेरी बात समझो ना, लाइव बंद रखो यार, लाइव बंद रखो, ठीक है ठीक है, बंद कर यार लाइव। आप लोगों का जब प्रोटेस्ट भाई, लाइव बंद करो, लाइव आपको मारने की घटना है सर, ये आप इससे इनकार नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, वो अथॉरिटीज हैव टेकन, अथॉरिटीज हैव टेकन नोट ऑफ इट, यहां सारा एड्रेस बच्चा का है। नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में। और इस समय एक बड़ा जो इंसिडेंट है वो हुआ है, हम आपको बताते हैं कि क्या इंसिडेंट हुआ है। एक स्टूडेंट को जो है चाकू मारने की जो खबर है वो सामने आई है। जी हाँ, ये क्यों हुआ है, आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में जब बच्चे आते हैं तो पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो मामला है वो सामने आया है, चाकू मारने का मामला सामने आया है। जिसे चाकू मारा गया उसे अस्पताल में इस समय जीएमसी में भर्ती कराया गया है। मेरे पीछे आप स्टूडेंट्स की ये भीड़ देख सकते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों ये हुआ और किसने ये किया, इसके पीछे जिम्मेदार लोग कौन है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, एक बार इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। घटना एक सेकंड सर, क्या इंसिडेंट है सर, किस बात के इंसिडेंट है बताइए, क्या चाकू मारने की घटना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। बताइए सर क्या मामला सामने आया है। जी को प्रिंसिपल साहब, मैं नहीं हूँ, प्रिंसिपल साहब गए हैं वीसी साहब से मिलने के लिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ तक बच्चे हमारे आए हैं, हमने जो भी एज पर मतलब नॉर्मल जो काम करता है वो बच्चों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था कि हमें यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड की, तो लॉ एनफोर्समेंट। चाकू मारने की घटना है सर, ये आप इससे इनकार नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो अथॉरिटीज हैव टेकन, अथॉरिटीज हैव टेकन नोट ऑफ इट, यहाँ सारा एड्रेस। बच्चा घायल है, उसे कहाँ ले जाया गया, वो हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल पर। जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी किस, जिम्मेदारी सबकी है, हम सब समाज की है, अनसर्कल सेलमेंट्स आए हैं तो हम क्या करेंगे। सिक्योरिटी को लेके आप समझते हैं। हाँ नहीं, सिक्योरिटी जो है मतलब ला रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है प्रोवाइड। अच्छा, तो इनका कहना है कि सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कॉलेज में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर इस तरह का जो इंसिडेंट है वो होता है। फिलहाल जो प्रशासन है कॉलेज का, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बातचीत जो है छात्रों के साथ हो रही है और हम कोशिश करेंगे छात्रों से भी बात करने की, आखिर ये इतना बड़ा जो इंसिडेंट है ये हुआ कैसे और कौन इसके पीछे के जिम्मेदार हैं, क्या मामला है, उसे लेकर जो है हम बात करेंगे। तमाम छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पुलिस के कुछ अधिकारी भी हैं जो बात करने की जो है कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर पुलिस साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, अधिकारी साहब से कि आखिर क्या हुआ। एक सेकंड, एक सेकंड, वीडियो में रखो सर, वीडियो नहीं आप। एक सेकंड, एक सेकंड, अच्छा भैया एक सेकंड, लाइव बंद रखो ना यार, भैया मेरी बात समझो ना, लाइव बंद रखो यार, लाइव बंद रखो, ठीक है ठीक है, अरे बंद कर यार लाइव। आप लोगों का जब प्रोटेस्ट, भाई लाइव बंद कर, लाइव एक मिनट, लाइव बंद कर, तो मेरी बात समझे कर यार। लाइव ऑफ तो नहीं किया, ऑफ तो नहीं किया, मैं पुलिस इंस्पेक्टर से ही बात कर रहा हूँ। बिजी में कर लो आप, बात सही है, आप और भी बड़े मैं बाहर में आइए, पुलिस से बात करेंगे, आप जाइए, मैं बताऊंगा। बंद हुआ है तो इस समय हम कॉलेज के बीचों बीच खड़े हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो तमाम स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं। मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है, आखिर क्यों, कौन वो लड़के थे जो बाहर से कॉलेज के अंदर घुसे और बिना किसी डर खौफ के जो मारा गया है एक लड़के को, जो हर्ट किया गया है, वो मामला भी सामने आया और उसे फिलहाल जो है हॉस्पिटलाइज किया गया है। और वही मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है उसे देखते हुए पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आगे प्रिंसिपल साहब से भी हमने बात करने की कोशिश की लेकिन हमें वहाँ तक जाने नहीं दिया गया। ख़ास तौर पर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स ने भी कोई बात हमसे नहीं की, क्योंकि उन्हें शायद डर है कि उनका जो नाम है, उनका जो फेस है, वो पब्लिकली सामने ना आ जाए, और इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी डरे हुए थे। बहरहाल अब मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन सवाल जो है प्रशासन पर उठता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉलेज है उस पर उठता है, आखिर इतनी कम सिक्योरिटी यहाँ क्यों है कि बाहर से कोई भी युवा यहाँ पर आते हैं, कोई भी आदमी यहाँ आकर यहाँ के बच्चों को हर्ट करता है, यहाँ पर लड़कियाँ
लड़कियां लड़के तमाम जो जगह से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, बावजूद उसके इस तरह के शहर के बीचों बीच बने इस कॉलेज में इस तरह की जब वारदात सामने आती है तो अफसोसजनक है और चिंताजनक और सवाल निशान यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पर कॉलेज की उठता है। अब बने रहिए परफेक्ट टाइमलाइन के साथ मेरे कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ।